नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय तो गंभीरता इस बात से समझ में आती है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के यूएनओ में स्थायी सदस्य ने एक स्टेटमेंट दिया अफगानिस्तान के विषय में, और ऐसा स्टेटमेंट जो बड़ा मार्मिक था, उनका बड़ा दर्द झलक रहा था। ऐसा स्टेटमेंट जो भारत के विषय में, भारत की शक्ति के विषय में और भारत के अफगानिस्तान के विषय में चर्चा करता है। मैंने पीछे इस पर एक बात की भी थी, फिर से थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं कि अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्रेसिडेंट ने और फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर को कुछ दिन पहले कॉल किया था। उस कॉल में उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में हो रही ये पाकिस्तान की जातियों की पूरी चर्चा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाई जाए, क्योंकि भारत अब अगस्त के महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट किया और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने कहा और फॉरेन मिनिस्टर ने उनको आश्वासन भी दिया। पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाते हुए उस समय कहा था कि अरे भाई यूएनओ के स्थाई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थाई वो अगर प्रेसिडेंट एक महीने के लिए हो गए तो बहुत भारी तीरनी मान लेंगे और ये कानून वो लॉ और ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। भारत की सफलता इसमें थी कि भारत के अध्यक्ष, भारत के जो अध्यक्षता कर रहे मेंबर हैं, उन्होंने इस बात को राजी करवा लिया, यूएनएससी में इस पर चर्चा होना शुरू हुआ। जैसे ही यूएनएससी की चर्चा पर इस पर वार्ता हुई तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम करने की ये साजिश है और कुछ नहीं। अब मामला ये है कि बात अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी अफगानिस्तान को किस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं और किस प्रकार से कौन कौन उनकी मदद कर रहा है, इस बात के एविडेंस देना चाहता है अफगानिस्तान यूएनएससी में। इसलिए अफगानिस्तान के स्थाई जो मेंबर हैं उन्होंने कहा भी कि भाई हमारी बात कौन सुनेगा, यूएसए यहाँ से जा चुका है, वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद मैं अपनी बात कहाँ कहूँ, मैं सिंगल एक एक कंट्री के पास कहता हूँ तो हम अफगानिस्तान में एक युद्ध लड़ रहे हैं, तालिबान हमको परेशान कर रहे हैं, कुछ प्रोविंसेस में तालिबानियों ने कब्जा भी कर लिया है और उस कब्जे में तालिबानियों ने शर्त लागू कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट भी अपनी संसद में दे दिया कि तालिबानी भी हमारी आपकी तरह ही ह्यूमन बीइंग हैं, उनको भी शरीयत मानने का अधिकार है और वो भी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। तालिबानी बंदूक की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और पाकिस्तान भी वैसा ही कुछ बंदूक की डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। इसलिए जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने अपनी पार्लियामेंट में कहा वो तो बात सही ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो गलत, वो सही बात कह रहे हैं कि भाई तालिबान तो उनकी तरह, क्योंकि उनके ही बनाए हुए तालिबान हैं, वही तालिबान में शामिल हैं और तालिबान को पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी एयरफोर्स उनको कंसाइनमेंट दे रही है हथियार, इतनी बड़ी तादाद में तालिबान हथियार कहाँ से लाएंगे जब यूएस वहाँ पर बैठा हुआ था और यूएस ने सारी आर्मरी सप्लाई कर दी अफगानिस्तान की मिलिट्री को, तो फिर तालिबानियों के पास इतने बड़ी संख्या में हथियार कहाँ से आए। जाहिर सी बात है कि हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तो अफगानिस्तान में अभी तक नहीं थी, एकदम हथियार अगर किसी कहीं से आए होंगे तो किसी न किसी कंट्री ने ही सपोर्ट किया होगा और किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड हथियार ही मिले होंगे। अब कौन, चाइना करेगा क्या, चाइना कर सकता है लेकिन चाइना सीधी एंट्री मारेगा नहीं, ईरान ने किया होगा, ईरान कर सकता है लेकिन ईरान खुद संकट में फंसा हुआ है, ऊपर से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान कर सकता है लेकिन वो रशिया के साथ एक कोलैबोरेशन में है इसलिए करेगा नहीं। अब बचता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो अफगान आर्मी का सपोर्ट कर रहा है, बचता है यूएसए, यूएसए ऑलरेडी वहाँ एयर स्ट्राइक कर रहा है और तालिबानी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कौन ऐसा कंट्री है जो वहाँ हथियार सप्लाई कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई मैथमेटिक्स, कोई एविडेंस ना लगाया जाए तो पाकिस्तान के ऊपर सारी उंगलियाँ जाएंगी, पाकिस्तान के ऊपर जब उंगलियाँ गईं तो पाकिस्तान का स्टेटमेंट आना स्वाभाविक था। इसलिए अफगानिस्तान जब ये आसियान देशों की बैठक में चर्चा हुई तो उस समय भी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने
सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा इनकी वजह से ही हमारे यहाँ समस्याएं हो रही हैं और हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि भारत की वजह से कुछ हम कंट्रोल किए हुए हैं और हमें अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भारत से फौजें भी मंगाएंगे। भारत ने भी अपनी कंडीशन US के सामने रखी है कि गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते से ही हमारी फौजें जाएंगी और गिलगित बाल्टिस्तान पूरा हमारे कब्जे में होगा, तभी हम वहाँ पर जा पाएंगे, हम मदद करने को तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में जब तक गिलगित बाल्टिस्तान वापस नहीं आता, लोगों का कहना है कि ये ख्याली पुलाव है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी बात तो बताई, क्योंकि हम जाएंगे कैसे अफगानिस्तान? या तो हम ईरान के बाद रास्ते से जाएंगे अफगानिस्तान, या फिर हम उधर रशिया के जो कोलैबोरेटेड कंट्री हैं उनसे जाएं, चाइना से हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान के थ्रू हम जाएंगे नहीं। और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर एक्चुअल बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से लगता है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। तो जब हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है तो हम दूसरे बॉर्डरों से क्यों जाएंगे? और अफगान और पाकिस्तान से हम रास्ता मांगेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से अगर हम रास्ता मांगते हैं तो हम गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की टेरिटरी रिकोगनाइज कर देते हैं, ऐसा भी हो नहीं सकता। या फिर हम उधर सक्षगाम वैली से रास्ता नहीं मांग सकते, या हम शिनजियांग से रास्ता नहीं मांग सकते, क्योंकि शिनजियांग से रास्ता मांगने का मतलब है अक्साई चीन को रिकोगनाइज कर देना कि वो चीन का हिस्सा है। इसलिए ना तो हम चीन के रास्ते से उधर से जा सकते हैं, ना ही हम गिलगित बाल्टिस्तान पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रास्ते से जा सकते हैं। ईरान के रास्ते से जाना नहीं, ईरान से के रास्ते से जाने के लिए US राजी नहीं होगा, रशिया के रास्ते से जाने के लिए US राजी नहीं होगा, तो भैया हम कैसे घुसेंगे? भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपनी बात कूटनीतिक तरीके से सही से रखी। अब विश्व समुदाय को अफगानिस्तान हिंदुस्तान से के मदद से अगर सही करना हो तो भैया सबसे पहला ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान हमको वापस करवाइए और हम युद्ध लड़ें तो आप कम से कम छुप रहिए। वो परिस्थितियाँ उन्होंने खड़ी कर दी हैं जिस वजह से US सारा प्रयास कर चुका है और उस प्रयास में उसने इन कंट्रियों का एक क्वाड बनाने का भी ऑफर किया और उस ऑफर में लोगों ने तो कहा कि वो क्वाड बना रहे हैं, उनको साथ मिला रहे हैं, लेकिन क्या ऑफर किया होगा पता नहीं, ये तो अंदर की बात है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट उसके बाद आया और पाकिस्तान ने कहा, ये मीडिया रिपोर्टें हैं जो भारत में छपी थी, आपको याद होगा कि एक कंधार पोर्ट की भी बात हुई थी, ईरान में जो हमने पोर्ट लिया था उस पोर्ट की भी बात हुई थी और हमारे यहाँ के कम्युनिस्टों ने कहा था वो तो भारत से खाली करवा लिया गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा ईरान के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। वो पोर्ट इनके स्टेटमेंट से 2 साल पहले ही हमारे कब्जे में आ चुका था और वो ऑपरेटिंग कंडीशन में था, लेकिन भारत में खूब हंगामा हुआ था। ऐसे ही ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान और एक और US, ये मिलकर एक वहाँ पर क्वाड बना रहे हैं, जैसे भारत का क्वाड बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और USA के साथ, वैसा एक क्वाड बना रहे हैं। तो बड़े सारे हंगामे भारत के कम्युनिस्ट भारत के विरोधी लोगों ने मचाए कि भाई ये US जो है क्या खेल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने कहा भाई ये तो बहुत गलत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हो गए, राष्ट्रपति नियुक्त होने के बावजूद उन्होंने इमरान खान से एक बार भी बात नहीं करी। तब से जब इमरान खान से बाइडेन ने बात नहीं करी है तो क्वाड किसके साथ बनाने जा रहे थे, ये कुछ हजम नहीं होता। और अब तो आज तो कमाल हो गया, भारत ने जब अध्यक्षता की तो पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया, अफगानिस्तान को कहा गया कि भाई आप अपने एविडेंस रख सकते हैं, तो अफगानिस्तान ने कहा भी कि भाई हम तो एविडेंस रखने के लिए आतुर हैं। इसलिए पाकिस्तान को कहना पड़ा कि भाई हमको बिना बुलाए, मतलब हमको उन्होंने UNSC में हमारे खिलाफ एविडेंस दिए जा रहे हैं, हमको वहाँ कल्प्रिट बताया जा रहा है, हमको वहाँ साजिशकर्ता बताया जा रहा है, हमको टेररिज्म फैलाने वाला बताया जा रहा है, क्षेत्र में डिस्टर्बेंस फैलाने वाला बताया जा रहा है, और अफगानिस्तान वहाँ मेरे खिलाफ कर रहा है, भारत करवा रहा है। और कमाल की बात है कि हमको बुलाया नहीं और हमको UNSC की उस बैठक में अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा संभवता नहीं होता, क्योंकि नोटिस जब दिया जाता है तो उस नोटिस में जिस कंट्री के खिलाफ भी एविडेंस दिए जाते हैं या जिस कंट्री के डिस्प्यूट के विषय में UNSC में चर्चा की जाती है उन दोनों कंट्रियों को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उनको ही नहीं, इसमें ही नहीं, जब हम UNSC की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कोर्ट की बात भी करते हैं, और जब हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि अगर हमारा उस कंट्री का जज रिप्रेजेंट नहीं है तो उसको अस्थायी रूप से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, उसी केस के लिए एक जज बिठाया जाता है बनाकर, और फिर उस केस के बाद उसको हटा दिया जाएगा, बाकी जो परमानेंट जजेस हैं वो वहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन UNSC की इस बैठक में भारत ने अध्यक्षता की, भारत अध्यक्षता कर रहा है, अफगानिस्तान को पूरा अवसर दे रहा है, अफगानिस्तान अपने एविडेंस रखेगा, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। कमाल की बात है कि नहीं? अब
पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमने इस खित्ते में पूरा पूरी सिक्योरिटी बनाकर रखी, शांति बहाल की, और हम कोई नहीं बुला रहे, हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, और ये भारत की बहुत बड़ी साजिश है जो पॉलिटिकल यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएनएससी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम तालिबान को वहाँ पॉलिटिकल अथॉरिटी मान लें। तालिबान को पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं माना जा सकता, और जो कंट्री भी ऐसा कह रहा है कि तालिबान को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बना लो और उससे वार्ता करना शुरू करो, तो ये यूएनएससी को स्वीकार नहीं है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को ये तो स्वीकार नहीं ही हो सकता कि टेररिस्ट को बुलाकर उससे बात करेंगे। इंडिविजुअली कोई कंट्री बात कर रहा हो, उनकी इंटेलिजेंस बात कर रही हो, सब समझ में आता है, लेकिन ये तो नहीं बात करेंगे ना। उनको बात करने का मतलब है उसको रिकॉग्निशन देना। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान का स्टेटमेंट आना स्वाभाविक, वहां उनके स्थायी सदस्य भी चिल्ला रहे। दूसरी तरफ एक दूसरी घटना हुई। देखिए, एक तरफ पूरा विश्व, चाहे वो नाटो कंट्री हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूनाइटेड यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्सेस हो, सब विड्रॉ हो गई। उन यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत की फोर्सेस भी थी, भारत की तरफ से आईटीबीपी भी वहां पर गया था। भारत की तरफ से जब आईटीबीपी वहां पर गया था, तो उस स्थिति में आईटीबीपी भी विड्रॉ होकर आया। आईटीबीपी ने एक दिल्ली हाई कोर्ट में कल पिटीशन डाली। अब सोच सकते हैं, देखिए क्या उनका भारत के सैनिकों का कैसा जज्बा है। और ये कहा कि हमको 2 साल के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था, हमको प्री मेच्योर वापस बुलाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि आप भारत सरकार से कहें कि हमको अफगानिस्तान फिर भेजा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई क्यों भेजा जाए आपको, तो उन्होंने कहा हमारी जो एम्बेसी है उसकी सुरक्षा मेरे हाथ में थी, अफगानिस्तान के बच्चे और पीड़ित लोग एम्बेसी में आते थे और वहाँ पर वो मदद मांगते थे, और जब वो मदद मांगते थे तो हम उनकी सहायता करते थे। आज अफगानिस्तान संकट में, हमारा पड़ोसी देश है, और हमारे पड़ोसी देश के संकट के दौरान हमारी सेनाओं को वापस बुलाना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम कटिबद्ध हैं, हम तैयार हैं। भारत सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं, चूँकि हम सैनिक हैं, हम सीधा नहीं कह सकते, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमको वहाँ भेज दिया जाए। हम अफगानिस्तान के अंदर सेवाएं देने के लिए एग्री हैं, चाहे कितनी भी दुर्दम परिस्थिति वहां पर हो, चाहे कितना भी खराब माहौल वहां पर हो, लेकिन हम वहां पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, हमको इसके लिए अवसर दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मामले में मना किया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपको कोई लोकस स्टैंडी नहीं बनती, आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जो आप कहें और हम आपको आदेश दे दें कि भारत सरकार को कहेंगे भेज दो। भाई ये गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत, इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत, इंटरनेशनल डेंजरस पॉलिसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के तहत, यूएनओ के प्रोविजंस के तहत ही भारत सरकार निर्णय लेती है, इसलिए भारत सरकार का ये एक्सक्लूसिव राइट है। इसमें आर्मी नहीं कह सकती कि हमको अफगानिस्तान भेज दीजिए, हम सब सही कर देंगे, या कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं कह सकती कि हमको अफगानिस्तान भेज दीजिए, हम वहाँ सब सही कर देंगे, तालिबानियों को ख़त्म कर देंगे, अफगानिस्तान के बच्चे बूढ़े जवानों को बचाना मेरा कर्तव्य है, वहाँ की महिलाओं माताओं बहनों को बचाना मेरा कर्तव्य बनता है, हम पड़ोसी हैं और हमको वहाँ भेजा गया था, इसलिए हमको वहाँ पुनः भेज दीजिए। आप देखिए कि एक तरफ तो भागने वाले देश भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के फौजी मांग रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान में आप भेज दीजिए, हम सब ठीक करके आएंगे। ये यूएनओ में जो प्रोग्रेस हुई, और जो हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी, हिंदुस्तान की जो सेना का मनोबल है, उस मनोबल को सैल्यूट करना पड़ेगा, भारत की कूटनीति को सैल्यूट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को इतने महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में बहुत कम बैठकें ऐसी होती हैं यूएनएससी की जिसमें किसी कंट्री के विरुद्ध कोई मैटर चल रहा हो और उस कंट्री को इनवाइट ना किया जाए, उससे पूछा भी ना जाए कि तुमको क्या रोल करना है, और इतना बड़ा डिसआर्मामेंट वहाँ से हो जाए, इतना बड़ा विड्रॉवल अफगानिस्तान से हो जाए, और पाकिस्तान से पूछा भी ना जाए और पाकिस्तान को कोई रोल भी ना दिया जाए, जबकि पाकिस्तान मेन स्टेक होल्डर कभी अफगानिस्तान में होता था यूएस की तरफ से। ये सब कुछ जब शुरू हुआ तब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी के बैठने के बाद धीरे धीरे करके अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, चाहे पाकिस्तान की सिचुएशन हो, ईरान और इराक की सिचुएशन हो, इन सभी सिचुएशंस पर भारत ने जिस प्रकार अपनी डिप्लोमेटिक
छवि बनाई है, अपनी इंटरनेशनल छवि बनाई है, पीस लविंग कंट्री की छवि बनाई है और अपनी आध्यात्मिक छवि विश्व में बनाई है और ये सिद्ध किया है कि भारत कभी किसी देश के ऊपर आक्रांता के रूप में काबिज नहीं हुआ। ये भारत की हजारों लाखों साल की पहचान है, पूरे विश्व ने उसको अडॉप्ट किया है और यूएनएससी ने ये बात दिखा दी है, क्योंकि वहाँ पांच परमानेंट मेंबर भी तो हैं, वो भी कह सकते थे कि पाकिस्तान को बुला लो एक बार, उन पांच में से चाइना भी है, चाइना तो कह सकता था कि पाकिस्तान को बुला लो, लेकिन अभी तो आपको मालूम है चाइना और पाकिस्तान के क्या रिलेशन चल रहे हैं, चाइनीज को पाकिस्तान के अंदर मारा जा रहा है और चाइनीज पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, ज़मीनें कब्जा हो चुकी, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं उस पर कई बार डिटेल में बात कर चुका हूँ, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारत की दृढ़ नीति की और भारत की स्ट्रेटजी की और भारत के सैनिकों के जज्बे की। सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।